लाइट को। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन को देखते हैं कि सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, दो तो है गिवेन। ये हम लोग पिछले एक्सरसाइज पिछले क्लास में इसको किए थे। इट मीन्स इसमें करना क्या सर, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद उसको हम लोग सोल्व करते हैं। इट मीन्स जीरो प्रूफ करना है कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। तो आइए देखते हैं, यहां पे एक डिटरमिनेंट गिवन है इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना। तो हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी में कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कब होता है। तो याद कीजिए, हम बोले थे चाहे दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर लेंगे। सर आइडेंटिकल का मतलब अगर कोई दो कॉलम सेम हो जाए या दो रो सेम हो जाएगा सर, तो हम वहां पे उसका वैल्यू को जीरो लिख सकते हैं इस डिटरमिनेंट का। अदरवाइज कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीट जीरो हो जाए, इट मीन्स एक रो का सारा वैल्यू जीरो, सारा एलिमेंट जीरो हो जाए या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा सर, फिर भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। और एक और प्रॉपर्टी बताया था कि जब दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो सर, है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब दो रो को करस्पॉन्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं, दोनों का रेशियो अगर सेम होगा सर, फिर भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो जो सबसे कॉमन है, सबसे आसान है सर, सोचना कि दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल करना। जब भी जीरो प्रूफ करने बोले, जनरली अगर दिमाग में जो फर्स्ट स्टेप जाएगा आपका, कोई दो रो या दो कॉलम को जीरो जीरो नहीं आइडेंटिकल करना, है ना। तो आइए हम भी आइडेंटिकल के बारे में ही सोचते हैं कि क्या करें सर, फर्स्ट ऑपरेशन इसमें क्या लगाएं कि हमारा दो कॉलम, तो आइए हम कॉलम वाइज कर रहे हैं, कॉलम को आइडेंटिकल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला ऑपरेशन होगा अप्लाइंग, हम कॉलम में करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम कॉलम थर्ड में कॉलम टू को माइनस करेंगे, इट मीन्स कॉलम थर्ड में ऑपरेशन करेंगे अप्लाइंग C3 माइनस C1। ऐसा करने से क्या फायदा होगा आप देखिएगा, जैसे ही C3 में C1 को माइनस करेंगे तो C1 तो सेम ही रह जाएगा सर 2, 3, 5, C2 भी सेम ही रह जाएगा सर 7, 8, 9। अब यहां देखिए C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करेंगे, इट मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 65 माइनस 2 करेंगे कितना होगा 63, 75 माइनस 3 करेंगे कितना होगा 72, 86 माइनस 5 करेंगे कितना होगा 81। अब देखिए आपके पास जो C3 आया है कुछ चेंज हुआ है और कुछ फॉर्म में आ गया, जिसको देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसको लिख सकते हैं 7, 7, और ये किसका मल्टीपल है 7 into 9, हाँ 7 into 9 लिख सकते हैं सर, इसको 8 into 9, इसको 9 into 9। अब जैसे ही हम इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखें तो देख रहे हैं कि इस कॉलम में 9 सारे में है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3, ये आप लिखिएगा टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3, है ना, आप यहीं पे सामने में लिख सकते हैं फ्रॉम C3। तो क्या होगा, C3 से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा सर, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 5, ये सेम रहेगा दोनों कॉलम 7, 8, 9, और इससे 9 कॉमन लेंगे तो 7, 8, 9 हो जाएगा 7,
8, 9. अब आप देखिएगा कि आपका दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया सर, है ना, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो नीचे लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो जैसे ही कोई डिटर्मिनेंट्स का दो कॉलम या कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाता है सर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो लिखेंगे 9 × 0 हो जाएगा, देयरफॉर 0 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व कीजिए। गिवन है डिटरमिनेंट, इसको जीरो प्रूफ करना है ना। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे आते हैं कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। यहां भी प्रूफ पूछ रहा आपसे, इतना इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम आपको बोले हैं कि सबसे पहले अगर जीरो प्रूफ करने बोले तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि कोई दो रो कॉलम, ये कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो रहा है क्या, हो सकता है क्या, सबसे पहले उसके बारे में सोचना सर। तो आइए क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये ब्रैकेट के फॉर्मेट में दिया हुआ जिससे काफी इजी हो जाए समझने में। तो फर्स्ट कॉलम को सेम एज, सेकंड कॉलम भी सेम एज है सर, थर्ड जो कॉलम है इसमें ब्रेक करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB+AC, यहां हो जाएगा BC+AB। आप BA लिखिए या AB लिखिए, दोनों बात बराबर है, इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां इसी तरीका से CA है या AC लिखिए सर, +BC, इतना इज इक्वल टू जीरो है, जीरो लाना, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप खुद देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आएगा कि अगर कॉलम थर्ड में देखिए AB AC फर्स्ट एलिमेंट में है, अगर BC को ले आए तो AB+BC+AC हो जाएगा। और यहां भी सर इस CA को इसमें ऐड कर दे तो AB BC है CA, तो AB BC CA सारे में सेम हो जाएगा सर, इट मींस मेरा कॉलम थर्ड जो है सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, देखिए हम क्या करेंगे, C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं सर, क्या करेंगे, C3+C2 कर दीजिए। जैसे ही C3 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा नया जो डिटरमिनेंट है कैसा बनेगा, 1, 1, 1, ये तो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड को टच नहीं कर रहे हैं, सेम एज। और थर्ड में ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड कीजिएगा तो ये AB+BC+CA होगा सर, यहां भी AB+BC+CA, और यहां भी इसको ऐड करेंगे तो हम अरेंज करके लिख दे रहे हैं, इट मीन्स इतना इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा कॉलम थर्ड है उसमें AB+BC+CA कॉमन है सर, तीनों में है ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन AB+BC+CA किससे, फ्रॉम C3, हम लोग C3 से कॉलम थर्ड से AB+BC+CA कॉमन ले लिए सर। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो वो डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा, तो AB+BC+CA बाहर आ गया, डिटरमिनेंट में क्या रह गया, कॉलम वन तो सेम एज रहेगा सर, 1, 1, 1, सेकंड कॉलम भी सेम एज, BC CA AB, और थर्ड कॉलम में जैसे ही आप AB+BC+CA कॉलम इस कॉलम से कॉमन लेंगे सर तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, इट मींस 1, तो सारे में 1, 1, 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा यहां पे कि आपका दो कॉलम आइडेंटिकल आ गया, इट मींस हम लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो आपको पता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है सर, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, इट मींस AB+BC+CA × 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए।
पीपीटी आपके स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कीजिए। वो बीच में इक्वल टू है, माइनस नहीं है, वहां सिंबल में एक आपका थोड़ा हल्का में है, लेकिन है क्या, एक डिटरमिनेंट इधर एलएचएस में गिवन है, इज इक्वल टू 2 × है। इट मींस वहां माइनस नहीं है सर, प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 2 × एक अदर डिटरमिनेंट है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, वो मिस प्रिंट है, वहां इक्वल टू, क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रूफ दिया हुआ है, और यहाँ प्रूफ थोड़ा हटके है सर, इट मींस प्रूफ में जो आपसे पूछ रहा डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही पूछ रहा, अभी तक जो प्रूफ कर रहे थे इक्वल टू 0 था, तो जहां भी 0 होगा सर वहां तो दिमाग में एक ही चीज ला रहे थे कि आइडेंटिकल दो रो या दो कॉलम हो जाए मेरा काम बन जाएगा, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने आपको प्रूफ भी किया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं सर थोड़ा हटके है, इट मींस LHS में भी डिटरमिनेंट है सर और RHS में भी डिटरमिनेंट है, और यहाँ एक 2 है, तो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इट मींस 2 का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको कॉमन लाना पड़ेगा, तभी ना 2 कॉमन होके बाहर आएगा। तो ये भी दिमाग में आएगा कि जो भी डिटरमिनेंट के बाहर है, चाहे आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो या वेरिएबल्स रहेगा सर, क्या करेंगे, वो आपका कॉमन होके ही बाहर आएगा। तो मेरे दिमाग में होगा कि किसको किस रो को किस रो के साथ ऐड करें, या किस कॉलम को किस कॉलम के साथ ऐड करें सर, कि हमारा कोई दो एलिमेंट सेम होके वहां से 2 कॉमन हो जाए। तो आइए इसमें थोड़ा पेशेंस रखेंगे, स्टेप थोड़ा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इसको आराम से समझेंगे कि ये बनेगा कैसे सर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, अप्लाइंग, जो पहला ऑपरेशन करेंगे सर R1 में करेंगे, R1 + R2। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा LHS, हम LHS को लेके मूव कर रहे हैं, ये हमको लाना है, लिखना नहीं है, ये लाना है सर। ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे कि दोनों तरफ ऑपरेशन करेंगे सर, ऐसा नहीं है, ये हमको लाना है ऑपरेशन, सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं LHS के लिए। अब R1 में कर रहे हैं R1 + R2, है ना, R1 + R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, इट मीन्स देखो यहाँ समझने के लिए बता देते हैं कि B + C में क्या ऐड करना है, C + A, तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा ना, इट मीन्स B + 2C + A, यही होगा ना। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको कि B + 2C + A, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं B + 2C + A, क्यों, क्योंकि इसको इससे क्रॉसपॉन्डिंग, सेम उसी तरीका से ये दोनों को क्रॉसपॉन्डिंग ऐड करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा, यहां पे है Q - Q + R है, सॉरी यहां पे आप लिख लीजिएगा ये माइनस नहीं है प्लस है, क्योंकि सारा वैल्यू आपका प्लस में है। अब इसमें ऑपरेशन करेंगे, इट मींस ये दोनों को ऐड करेंगे सर, तो मेरा आर आर दो बार है, तो एक तो Q हो गया +R + R2 + +B हो गया सर। सिमिलरली फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखिएगा Y तो एक ही है सर, Z + Z 2Z हो गया, अब +X। थोड़ा लिखने में सावधानी कीजिएगा, कभी कभी होता क्या है 2 और Z एक टाइप का हो जाता है और आप गलती कर देते हैं, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो दो रो है उसमें सेम एज होगा, क्योंकि हम सिर्फ R1 में ऑपरेशन किए हैं सर, तो लिख दीजिए बाकी को सेम एज, C + A, यहाँ R + P, यहाँ Z + X, सेम एज A + B, P + Q, X + Y, एक ऑपरेशन हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमको 2 चाहिए, है ना, तो अप्लाइंग क्या करेंगे इस बार, अगर R1 में R3 को देखिए तो अगर माइनस करेंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये R1 रो है, इसमें A और B पॉजिटिव है सर, और इसमें भी पॉजिटिव है, अगर इस रो को इस रो से माइनस कर दे, इट मींस R1 - R3 कर दे सर,
तो देखिए आपका ए और बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टू सी बचेगा। सेम उसी तरीका से यहां भी पी क्यू है सर, यहां भी पी क्यू है, अगर इसको माइनस करेंगे तो पी और क्यू दोनों कैंसिल होगा। सिमिलरली वाई एक्स यहां भी है, यहां भी एक्स वाई है, कैंसिल होके टू जेड। इट मीन्स इस जो हमारा रो है इसमें टू सी टू आर टू जेड आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा क्या होगा, आर वन माइनस आर थ्री। इट मीन्स आर वन में ऑपरेशन कर रहे हैं सर, तो आर वन में ऑपरेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस टू सी प्लस ए है और माइनस करना किसको, आर थ्री को। तो जैसे ही माइनस का सिंबल देंगे इट मीन्स ए प्लस बी को ही माइनस करेंगे ना। सेम एज यहां पे है q प्लस टू आर प्लस पी, क्या माइनस करना, p प्लस q। इसी तरीका से यहां y प्लस टू जेड प्लस एक्स है सर, क्या माइनस करेंगे, x प्लस वाई। सिर्फ फर्स्ट रो में ऑपरेशन होगा, बाकी सेम एज हो जाएगा, c प्लस ए, ए प्लस बी, यहां r प्लस पी और p प्लस क्यू। सेम एज यहां एक्स जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इस तरीका से ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही आप हटाइएगा तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा सर, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो क्या देखेंगे, ए और बी कैंसिल होके क्या बचेगा हमारा, अब हम यहां पे एक स्टेप और लिख देते हैं एक्स्ट्रा, कि जैसे उसको लिखेंगे सर तो बी प्लस टू सी प्लस ए है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी। सेम क्यू प्लस टू आर प्लस पी माइनस क्यू हो जाएगा सर। सिमिलरली यहां क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, या आप लिखिए आप वाई प्लस टू जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे प्लस ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सेम माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, बाकी सेम रहेगा सी प्लस ए, ए प्लस बी, यहां आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, यहां जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, है ना। अब हम इसको नोट करेंगे फ्रेश करके, तो यहां 2c होगा सर, यहां c प्लस ए, ए प्लस बी। सिमिलरली यहां 2r बचेगा, r प्लस पी और p प्लस क्यू। सेम यहां 2z, z प्लस x, x प्लस y। अब आप देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा सर, तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन कॉमन टू फ्रॉम आर वन। तो आर वन से टू कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा, सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी। सिमिलरली यहां आर बच जाएगा सर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, यहां जेड बच जाएगा सर, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करेंगे सर कि हमारा काम बन जाएगा, अब आप R2 में ऑपरेशन कीजिएगा, R2 माइनस R1। अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो हमारा काम बनेगा, कैसे बनेगा सर, ये CC कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्या बचेगा, A बचेगा, उसी तरीका से उसमें P बचेगा सर और इसमें X बचेगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, इसको हम लिख रहे हैं यहां, अब यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस करके, इट मीन्स कॉलम वन को सेम एज रख देंगे, सी आर जेड, फर्स्ट रो सेम एज है, सेकंड रो में ऑपरेशन हो रहा, आर टू माइनस आर वन करेंगे तो क्या होगा, सी और सी कैंसिल, ए बचेगा, यहां आर और आर कैंसिल, पी बचेगा, यहां जेड और जेड कैंसिल, एक्स बचेगा, बाकी को ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और x प्लस वाई। इतना को पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं।
अब देखिए हम लोग यहाँ तक सोल्व किए थे सर, अब इसके बाद क्या करना है वो सोचना। तो अब देखिए आपका जो रो थ्री है आर थ्री, अगर आर थ्री में आर टू माइनस कर दे, अगर आर टू को माइनस कर देंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए ए कैंसिल, बी और यहाँ पी पी कैंसिल क्यू सर, और यहाँ एक्स एक्स कैंसिल वाई, क्योंकि हमको यहाँ ध्यान देना है कि आर एच एस में हमको डिटरमिनेंट चाहिए सर, है ना। तो क्या चाहिए, ए बी सी पी एक्स वाई जेड, उसी के लिए काम कर रहे हैं। देख रहे हैं दो रो तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक जो थर्ड रो है सर उसमें एक्स्ट्रा है ना? तो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा अप्लाइंग आर थ्री, है ना। आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, आर थ्री माइनस आर टू करेंगे सर। तो हम यहां पे डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं, टू तो है ही पहले से बाहर, फर्स्ट रो को सेम है सी आर जेड है सर, सेकंड जो हमारा रो है ए है पी है एक्स है, और जो थर्ड रो में है, थर्ड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो थर्ड रो में सेकंड रो से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा सर, इसमें पी पी कैंसिल हो जाएगा क्यू बचेगा, सिमिलरली एक्स एक्स कैंसिल होगा इसमें वाई बचेगा, यही बचेगा ना। अब आप देखिए आपके पास वो सारा एलिमेंट आ गया सर जो आपको आरएचएस में चाहिए, लेकिन क्या अरेंज है क्या जैसा हमको चाहिए, वैसा तो नहीं है सर, लेकिन एलिमेंट सारा आ गया है। अब इसको अरेंज करना है, इट मीन्स आपको प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि कोई दो रो को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, हम कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करते हैं। उसमें क्या बताए थे कि अगर कोई दो रो को एक्सचेंज करते हैं सर तो क्या होता है, सिर्फ साइन में चेंजिंग आता है, इट मीन्स कि कोई दो को आपस में पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं सर। तो नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन होगा, इट मीन्स अप्लाइंग, किसको चेंज करेंगे सर, आप तो चेंज करने वाला में बताए थे कि इस तरीका से सिंबल देंगे, R1 और R2 को पहले कर रहे हैं क्योंकि सबसे ऊपर में हमको APX चाहिए, और ये देख रहे हैं कि ये सेकंड रो में है सर APX, तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं और इसको नीचे ले आ रहे हैं। ये R1 R2 दोनों के बीच जो एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा, तो एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, माइनस एक बाहर आएगा ना, तो माइनस बाहर हो गया टू है, क्यों, क्योंकि हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि कोई दो रो या दो कॉलम अगर एक्सचेंज होता है तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में तो चेंजिंग नहीं होता सर, लेकिन उसके साइन में चेंज होता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो ये निगेटिव दे देगा सर, अब क्या होगा, ये पोजिशन चेंज कर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो मेरा बन जाएगा ए पी एक्स, और जो फर्स्ट रो था सर वो सेकेंड बन जाएगा सी आर जेड, और थर्ड में तो सेम एज रहेगा क्योंकि हम जो ऑपरेशन लगाए हैं वो किसमें किए, एक्सचेंज करने का आर वन आर टू में बी क्यू वाई। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट रो तो सेम है सर, लेकिन जो सेकेंड रो में चाहिए वो हमारा थर्ड में है, और जो यहाँ सेकेंड में है वो थर्ड में चाहिए, इट मीन्स नेक्स्ट बार एक बार और अप्लाई करेंगे, दो रो को आपस में एक्सचेंज करेंगे सर, तो मेरा काम बन जाएगा, इट मीन्स अप्लाइंग R2 एंड R3, ये दोनों के बीच में अगर हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो फिर से माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा सर, इट मीन्स मेरा फिर से पॉजिटिव हो गया, और दोनों रो एक्सचेंज कर देंगे, ए पी एक्स तो सेम ही रहेगा, ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज करेगा, तो जो थर्ड रो है वो हमारा सेकंड बन जाएगा बी क्यू वाई, और जो सेकंड में था वो थर्ड में आ जाएगा सी आर जेड। इस तरीका से आपका आरएचएस आ गया, हम लोग लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना सर आसान है, बस कोई दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर लीजिएगा सर, आपका काम बन जाएगा, बनाइए तो इसको।
यहाँ डिटरमिनेंट एक गिवन है इतना इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना। तो हम आपको बताए हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो प्रूफ करना है सर तो क्या करेंगे, कोई दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल करेंगे सर, तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखता सर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको ये सिखा रहे हैं कि आप दो कोई दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर छोटा ऑपरेशन है तो क्या सर दो ऑपरेशन एक कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं। जैसा कि हम इस ऑपरेशन में आपको दिखा रहे हैं कि हम सेकेंड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं बी आर टू, इट मीन्स सेकेंड रो में बी से इंटू कर रहे हैं, और आर थ्री इट मीन्स थर्ड रो में सर हम ए से इंटू कर रहे हैं। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा सर, आर वन को सेमाइज रहने दिए, आर टू में बी से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो माइनस ए बी ये तो जीरो ही रह जाएगा, ये माइनस बी सी होगा सर। सिमिलरली आर थ्री में ए से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये ए बी, क्योंकि ये जो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमको कोई एक कॉलम को लेके चल रहे हैं, तो अगर इसमें बी से करेंगे तो इसमें ए से करेंगे तब ना दोनों सेम होगा। अब यहाँ ए बी हो गया सर, अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी। सिमिलरली यहाँ जीरो है सर, ये ऐसा बन गया। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे तो हमारा काम बनेगा, इट मीन्स अप्लाइंग करके लिखिएगा, आर टू में ऑपरेशन कीजिए इस बार, आर टू प्लस आर थ्री, इट मीन्स क्यों करेंगे आर टू प्लस आर थ्री सर, देखिए हमारा काम आसान हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो जैसे ही ऑपरेशन करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं जीरो ए माइनस बी, आर टू में ऑपरेशन कर रहे हैं सर तो माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ जीरो प्लस ए सी ए सी हो जाएगा सर, यहाँ जीरो प्लस माइनस बी सी रह जाएगा, और नेक्स्ट जो आपका थर्ड रो है वो सेम एज ए बी ए सी और जीरो, यहां तक आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको जीरो प्रूफ करने बोला है ना, एक मेथड और सीखे सर कि अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्यों कॉलम वन, क्योंकि इस कॉलम में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट जीरो है सर, इट मीन्स दो एलिमेंट जीरो है तो सिर्फ इस एलिमेंट का आपको सॉल्व करने पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप सिर्फ इसका कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिंग में क्या सिखाए थे कि किसी भी रो का अगर एक्सपेंड करते हैं सर तो उस रो के सारे एलिमेंट का सॉल्व करना पड़ता, तो यहाँ तो दो एलिमेंट मेरा जीरो है सर तो सिर्फ इसी का होगा ना, और कैसे मूव करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस भी है क्योंकि हम आपको सिखाएं कि याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस में जाता है, रो में भी कॉलम में भी मूव करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो जिसका निकालना है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स ए बी हो गया। अब ए बी के हॉरिजेंटल को ढक देंगे सर, तो हॉरिजेंटल का मतलब ये ढका और ये वर्टिकल ढक गया, तो क्या बच गया रिमेनिंग पोर्शन ए, यहाँ ए सी सर, यहाँ माइनस बी और ये माइनस बी सी, यही बचा ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इट मीन्स ए बी है ये क्रॉस ऐसे ही होता है minus. Yes, तो माइनस ए बी सी और माइनस का साइन बीच में होता सर, ब्रैकेट माइनस ए बी सी क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, यही होगा ना sir. तो ए बी है सर, ये माइनस ए बी सी और ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये कैंसिल होके जीरो हो जाएगा सर, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, यही प्रूफ करना था सर, आरएचएस प्रूफ। इस तरीका से हम एक और भी तरीका आपको सिखाएं कि मूव करते हुए जा रहे हैं और कोई दो एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर उसको एक्सपेंड किसी भी रो या कॉलम के थ्रू करके और उसको सॉल्व करके भी हम लोग जीरो ला सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए सर। हाँ, आज का क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन हम आज बताए हैं उसको खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कहीं फंसिएगा
तब देखिएगा, लेकिन एक बार खुद से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।